जब कॉरपोरेट की जहां तक बात हो रही है, अभी हालांकि हमने ये शी बॉक्स का जो नई पहल है वो अभी सरकारी दफ्तरों में रहेगा, कॉरपोरेट्स के लिए विशाखा कमेटी ऑलरेडी दी गई थी, लेकिन आज भी जो हमने आंकड़े दिखाए कि तमाम ऐसे उदाहरण है जहां पर लगातार शिकायतें मिल रही हैं, कार्रवाइयां नहीं होती। जैसा कि मनीषा जी ने भी बोला कि यदि मैं एक घराने में काम कर रही हूं, मैं ऑफिस में काम कर रही हूं, निजी ऑफिस में, और मुझे कोई शिकायत करनी है तो उन्हीं से करना है जो जिनकी मातहत मैं हूं, तो जाहिर सी बात है कि मेरी हिम्मत नहीं पड़ेगी और मैं उसको सहती रहूंगी। क्या आपको लगता है कि इस तरह की समस्याएं आपको देखनी पड़ती हैं? देखिए, लॉ इज ऑलरेडी देयर, ठीक है ना। विशाखा लेट द ग्राउंड गाइडलाइंस इन 1997। गवर्नमेंट हैज टेकन ऑलमोस्ट 20 इयर्स टू इनेक्ट अ लॉ बन गया दिसंबर 13 में जी। ऐसा नहीं कि लॉ में प्रोविजंस नहीं है, लॉ में सारे प्रोविजंस हैं। आप कमेटी बनाइए, कंप्लेंट लीजिए, कंप्लेंट अरेवा विद इन आप 30 डेज और विद इन 90 डेज को रिजोल्यूशन करिए, इंटरनल इंक्वायरी बैठाइए, सारी राइट्स सारी फैसिलिटीज कंप्लेनेंट को दे दीजिए आप, अगर उसके पास नहीं है, जिससे उसको पूरा सपोर्ट मिले, उसको न्याय मिले। उसके बाद जब आपकी इंक्वायरी हो जाती है, विद इन 10 डेज यू हैव टू सबमिट द रिपोर्ट टू द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर विल टेक इमीडिएटली एक्शन। आपने ठीक कहा सिटिंग नेक्स्ट टू मी कि गलत रिपोर्ट्स के लिए भी अगर कोई फीमेल एम्प्लॉय गलत रिपोर्ट करती है तो प्रोविजन ऑलरेडी लॉ में दिया हुआ है कि शी विल बी ऑल्सो टेकन एक्शन एज द मेल कल्प्रिट इज बीइंग टेकन एक्शन। बिल्कुल ठीक है, ये सारा लॉ बन गया। आपने शी बॉक्स का जिक्र किया, शी बॉक्स डेफिनेटली एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है, एक कोशिश है, पर माय क्वेश्चन टू द होल ऑडियंस हियर इज एंड टू एवरीवन, व्हेन द लॉ वाज देयर व्हिच हैज प्रोवाइडेड यू 60 डेज टाइम और इफ अ रिपीटेड कंप्लेंट इज 100 डेज टाइम टू सॉल्व द सॉल्यूशन एंड टू टेक नेसेसरी एक्शन इंक्लूडिंग डैमेजेस एंड टू डिसमिस द एम्प्लॉय सो दैट अ मैसेज गोज इन द होल वर्ल्ड के साथ दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड और टॉलरेट करना भी नहीं चाहिए बिकॉज हमारे सारे फंडामेंटल राइट सारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस प्रोवाइड करते हैं कि सब फीमेल को इवन यूनाइटेड नेशंस में जो हमने एग्रीमेंट साइन किए हुए हैं वहाँ भी हमारी कंडीशन है इंडिया में कि वी हैव टू प्रोटेक्ट ऑल द फीमेल एम्प्लॉयज। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक ड्वेल सिस्टम सा लगता है कि एक तरफ तो एक्ट पूरा प्रोविजन दे रहा है आपको, दो उसी एक्ट के अंदर आपने ये शी बॉक्स लगा दिया जी। दो जगह से कंप्लेंट आ रही है। एक कंप्लेनेंट ने अपनी इंटरनल कमेटी फैक्ट्री को कंप्लेंट दे दी, उन्होंने इंक्वायरी शुरू कर दी, शी बॉक्स में कंप्लेंट गई, वो भी कंप्लेंट इन्हीं को फॉरवर्ड करेंगे इंटरनल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी को। ओनली एडवांटेज का जो हमको लगता है कि उसकी मॉनिटरिंग हो जाएगी कि ये टाइमली रिड्रेसल हो रहा है नहीं हो रहा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बड़ा अच्छा स्टेप। लेकिन यहीं पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि बीइंग अ कॉर्पोरेट या एक निजी ऑफिस के कार्यालय के तहत जिसको कहा जाए या फिर कोई भी कार्यालय के तहत, क्या आपको लगता है कि इससे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी? कोई भी नहीं, फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज भी कॉर्पोरेट्स में कमी है, अगर आप 100 कॉर्पोरेट्स का सर्वे करिए तो कम से कम 60-70% कॉर्पोरेट्स को इस लॉ के बारे में आज भी नहीं मालूम है। नाइदर दे हैव द ऑब्लिगेशंस ऑफ द एम्प्लॉयर कि उनको डिस्प्ले करना है, उनको रेगुलर ट्रेनिंग देनी है, उनको रेगुलर हेरेसमेंट के प्रोग्राम्स करने हैं, लोगों को अपराइज करना है, लोगों को राइट समझाना है, फीमेल एम्प्लॉयज को उनके राइट समझाने, एम्प्लॉय को ऑब्लिगेशन समझाना है, ये नहीं हो पा तो जरूरत ये है कि आज भी कॉर्पोरेट्स में इस लॉ को फुली एनफोर्स करना।